आज के वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। खास बोले तो इसीलिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपका खराब वीडियो है, करप्ट वीडियो है, जो आप बहुत ही मेहनत से शूट किए हैं, जैसे कोई पार्टी का हो गया, कोई शादी हो गई का हो गया, कोई फंक्शन का हो गया, आप बहुत ही मेहनत से शादी फंक्शन और कोई पार्टी वार्टी का वीडियो शूट करते हैं और वो जो वीडियो ख़राब हो जाता है तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि यार मैं इतना मेहनत से वीडियो शूट किया था और वो जो मेरा वीडियो है करप्ट हो गया, ख़राब हो गया है। तो 90% ऐसे भी लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं करप्ट वीडियो, खराब वीडियो को ठीक भी किया जाता है। अगर आपका करप्ट वीडियो है, खराब वीडियो हो चुका है, तो उसको आप कैसे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से घर बैठे उसको कैसे रिपेयर करके कैसे ठीक करेंगे। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका करप्ट वीडियो हो चुका है, खराब वीडियो हो चुका है और आप बहुत ही मेहनत से उसको शूट किए हुए हैं और आप टेंशन में हैं कि किस तरीके से करप्ट वीडियो को, खराब वीडियो कैसे रिपेयर करके कैसे ठीक किया जाता है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप करप्ट वीडियो को, खराब वीडियो को आप लैपटॉप से, मोबाइल से किस तरीके से ठीक करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दिया हूँ, जिस लिंक पर जाने के बाद आप डायरेक्ट इस साइट पर पहुँच जाइएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ विंडो का ऑप्शन है और मैक का ऑप्शन है, तो विंडो और मैक में दोनों में ये एप्लीकेशन यूज होता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ हाईलाइट दिए हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि MOV फाइल है, MKV फाइल है, MP4 फाइल है, M2TS फाइल है और AVI फाइल है। तो इतने फाइल को आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और नीचे ऊपर भी कुछ हाईलाइट दिए हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये अब इतने भी फॉर्मेट को आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करप्टेड सेंसरियस फाइल को भी आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आइएगा स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप कैमरा से जो आप वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कैनन कैमरा हो गया, निकॉन, सोनी एक्स्ट्रा, तो या मोबाइल से अगर आप वीडियो बनाए हुए हैं तो उस वीडियो का भी आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर इसको अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप इस पर एक क्लिक कीजिए तो यह आपका डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ देख रहे हैं कि एड वीडियो स्टार्ट रिपेयरिंग, तो यहाँ पे आपका जो भी वीडियो है, जिस वीडियो को आपको रिपेयर करना है तो वो वीडियो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं सिंपली जो हमें वीडियो को रिपेयरिंग करना है वो वीडियो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, तो सिंपली आपको इसको ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद जहाँ भी फाइल में आपका वीडियो है वहाँ से ये आप वीडियो को चूज कर सकते हैं। चलिए मेरा डेस्कटॉप है तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ हमारा न्यू फोल्डर में, तो चलिए मैं हमें ये वीडियो को रिपेयरिंग करना है तो मैं सिंपली इसको चूज करके यहाँ से सिंपली ओके कर ओपन कर देता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पर टाइमलाइन में आके ये ऐड हो चुका है। अगर आपको एक से ज़्यादा वीडियो के एक साथ रिपेयरिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ देख रहे हैं कि नीचे ऐड वाले ऑप्शन है, तो यहाँ पर जाके आपको ऐड वाले पर ओके कर देना है। आपको जो भी वीडियो को जहाँ भी फाइल में है वहाँ से सेलेक्ट कर लेके अब इसको ओपन कर लीजिए। चलिए हम इस बार इस वीडियो को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा ये वीडियो दोनों यहाँ पे आ चुका है। अब दोनों वीडियो को हमको रिपेयर करना है, तो दोनों वीडियो मेरा ख़राब है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रिपेयर वाले ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे आपको सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिएगा यहाँ पे मेरा ये रिपेयर हो भी चुका है, कितना फास्ट हुआ है, बहुत फास्ट ये एप्लीकेशन है। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर सेव करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए सिंपली मैं पहले प्रीव्यू देख लेता हूँ ये कैसा लगता है। आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर प्रीव्यू ओपन होकर आ रहा है जो सर्चिंग में है, और नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडवांस रिपेयरिंग का ऑप्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये वीडियो उतना सही से रिपेयरिंग नहीं हुआ है और मैं चाहता हूं कि इसका और क्लियरिटी हो रिपेयरिंग का, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पे एडवांस रिपेयरिंग वाले ऑप्शन पे जाके आप उसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद अगर आपका कोई अच्छा वीडियो है, सिंपल के तौर पर यहाँ देख रहे हैं कि एड सिंपल वीडियो टू रिपेयर, अगर आपका कोई अच्छा वीडियो है उस हिसाब से इस वीडियो का अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं
तो आप उस वीडियो को यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं जो मेरा अच्छा वीडियो है वो वीडियो को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये अच्छा वीडियो है तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। और ये करने के बाद देखिए मेरा यहाँ पे आ गया है। और ये जो वीडियो है ये वीडियो के हिसाब से मेरा ये वीडियो सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, ना कि ये वीडियो। इस वीडियो के लिए सेम यही प्रोसेस जो हम कर रहा हूँ सेम प्रोसेस यही आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ये भी वीडियो आपका रिपेयर हो जाएगा। तो सिंपली मैं अभी सिर्फ इस वीडियो को रिपेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को रिपेयर कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐड करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉर्पोरेट वीडियो का ऑप्शन आ चुका है और सिंपल वीडियो का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से आप इसका फॉर्मेट भी चूज कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आप करना चाहते हैं। तो सिंपली हमको क्या करना है, सिंपल वीडियो एड करने के बाद यहाँ पर हमको रिपेयर वाले ऑप्शन जाकर ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा ये रिपेयरिंग हो गया ये वीडियो। तो अगर आपको इसी तरह जो आपको इस वीडियो को भी ऐसे ही आपको करना है रिपेयर करना, अगर इसको प्ले कर रिव्यू करके देख लेते हैं कि नहीं उतना अच्छा नहीं है वीडियो, अगर चाहते हैं कि नहीं और अच्छा वीडियो हमको ये रिपेयरिंग हो, तो आपको सिंपल तरीका से जो फॉलो ये प्रोसेस मैं बताया हूँ ये प्रोसेस कीजिएगा, तो ये भी वीडियो आपको उसी तरह से आपका रिपेयरिंग हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसका प्रव्यू देखने के लिए आप इसको प्रव्यू देख सकते हैं। चलिए मैं आपको ये वाला प्रव्यू दिखाता हूँ जो मैं बहुत अच्छा से रिपेयरिंग किया हूँ दोबारा से। तो आप सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्चिंग का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर प्ले होगा, तो मैं आपको प्ले होकर दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये प्ले हो गया होगा, इसकी क्लियरिटी आप देख रहे हैं कितनी शानदार इसकी क्लियरिटी है। तो इसी हिसाब से आपका ये वीडियो बहुत ही आसानी से आपका रिपेयर हो जाएगा। और ये नीचे यहाँ देख रहे हैं कि चेंज द सिंपल वीडियो में, तो इस वीडियो के सिंपल वीडियो के हिसाब से मैं इसको चेंज किया हूँ और क्लियरिटी बढ़ाया हूँ, तो उस हिसाब से वीडियो ओपन होकर आ चुका था। और यहाँ से अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आगे सेव कर सकते हैं, या यहाँ भी ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ से भी आप वीडियो को सेव कर सकते हैं, या इस वीडियो को भी यहाँ से प्रव्यू करके देख सकते हैं, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से करप्ट वीडियो को, ख़राब वीडियो को आप घर बैठे अपने लैपटॉप से किस तरीके से उसको रिपेयर करके ठीक करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।